नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्षा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि उत्तराखंड की खबरों से आपको रूबरू करवाते चले। देखिए उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले आपको मसूरी लिए चलेंगे। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिवस पर उपजिला चिकित्सालय पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही उपजिला चिकित्सालय में व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सीएमएस को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दे दिए। वहीं शहीद भगत सिंह चौक पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिष्ठान वितरित कर आतिशबाजी की और अमित शाह की दीर्घायु की भी यहां कामना की। जिनके तुम्हें धारा 370 और 35 को हटाने का काम हुआ है और जो अपने सख्त फैसले के लिए जिनकी एक छवि है, जिनकी कमिटमेंट के लिए अपनी एक छवि है, उस महान नायक का जन्मदिन आज है। और भारतीय जनता पार्टी मसूरी के कार्यकर्ताओं ने पहले मसूरी हॉस्पिटल में फल बांटकर हमने उनके धन को मनाया और आज यहीं पर पिक्चर पैलेस पर आतिशबाजी करके लड्डू बांटकर हम उनके धन को मना रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ हों और लगातार आपका मार्गदर्शन भारतीय जनता नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार आगे बढ़ती रहे, ऐसी प्रभु से हम कामना करते हैं। निकाय चुनाव कब बचने वाला है, किस तरीके की तैयारी है? देखिए आप इंतजार कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार अन्य चुनावों में प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी विजयी, निकाय के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी विजयी। बात करें सड़कों की तो सड़कों के लिए जो है 10 दिन का और समय दिया गया है। देखिए कुछ मौसम की वजह से 15 तारीख से काम नहीं हो पाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने वाले 10 दिन के अंदर यहाँ की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, इतना भरोसा मैं आपको। सर एक सवाल और है, जो मसूरी अझड़ी पानी और कुटू खेत वाला मार्ग है, लगभग 90% संज्ञान में अंदर आया। मैं अधिकारियों से बातचीत करके उस सड़क को बनाने की हम काम करेंगे। सर देखिए आज परिकल्पना जो है वो अमित शाह जी की है, तो क्या उनके नेतृत्व में जो है अखंड भारत बन पाएगा? रानी पोखरी के शांतिनगर गांव में 100 आम के पेड़ों को काटे जाने की घटना पर जिस नाटकीय ढंग से पर्दा डालने की कोशिश हुई, वहां पर वन और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। और एक और यहां पर आप देखिए, वन विभाग ने पेड़ काटने वाले तस्करों को पकड़ने के बाद छोड़ दिया। मामला उद्यान विभाग के अधिकार क्षेत्र का है, तो वही उद्यान विभाग घटना की जानकारी होने से इनकार कर रहा है। करीब रात 2 बजे वन विभाग की यहां उड़न दस्ता टीम को इस घटना की जानकारी मिली और विभाग की टीम सभी तस्करों को पकड़कर रेंज कार्यालय लेती आई। तो वन विभाग और उद्यान विभाग की इस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए मुझे, मैंने भी आज अखबार में इस विषय को पढ़ा था, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग व उद्यान विभाग से परमिशन ली जाती है। और मैं अपने जिला उद्यान अधिकारी का बयान देख रहा था कि उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसको सुनिश्चित करेंगे। हमारा ये कानून के अंदर या तो कानून चेंज हो, जो उसमें धाराएँ होती हैं, अब आप देखिए आज तक ये हो गया कि जो हल्की धारा है 7 साल तक की, उसको जो है गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। तो इस विषय में मैं जानना नहीं चाहता, क्योंकि ये कानून का विषय है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कृषकों और पौधशाला स्वामियों के साथ समन्वय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें तमाम जिले से आए हुए कृषकों ने यहां खेती के बारे में अपने सुझाव दिए। वहीं गणेश जोशी, कृषि मंत्री ने कहा कि हर जिले से एक किसान को लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सुझाव आएंगे और उसके बाद अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। चौपटिया गार्डन को भी दोबारा से खोलने का काम किया जाएगा और किसानों के जो बीमे छूट रखे हैं, यहाँ पर वे 1 महीने के अंदर उनको मिल जाएंगे। एप्पल और कीवी के साथ साथ हमें अन्य फसलों भी जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ अखरोट होता है, हमारे यहाँ खुमानी होती है, हमारे यहाँ नाशपाती होती है, हमारे यहाँ प्लम होता है, हमारे यहाँ माल्टा होता है। अभी मैं फूड प्रोसेसिंग मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी से मिला था, चिराग से शीघ्र यहाँ पर आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएँ हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी
कि यहाँ के किसानों को उसके उपज का सही दाम मिले। हम प्रोसेसिंग छोटी छोटी यूनिटें पहाड़ के क्षेत्रों में लगाएंगे ताकि अपने उत्पाद को वहाँ पर दे सकें। इन सही मिस्त्रियों पर आज यहाँ पर बातचीत हुई है और सबसे बड़ी बात जो किसानों के सुझाव यहाँ पर आए हैं उनको अपने उसमें हम समाहित कर रहे हैं और जो मैंने फैसले यहाँ पर लिए उससे मुझे किसान संतुष्ट दिखाई दिए। ये सबसे बड़ी इस गोष्ठी की सफलता है। सबसे पहले तो हमने ये सुनिश्चित किया है हर जिले से एक अग्रणी किसान को लेकर हम एक समिति बनाएंगे जिसके माध्यम से जो सुझाव आएंगे अपनी योजनाओं को हम लागू करेंगे। दूसरा चौपटिया गार्डन जहाँ पर एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और वहाँ से सीखने के बाद हिमाचल जो है इतना आगे बढ़ गया, वो सेंटर बंद पड़ा है। मैं जितनी बार दौरे पर गया मैंने अधिकारियों से कहा कि वह सेंटर चालू हो जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास साइंटिस्ट नहीं थे और अभी हाल ही में 9 साइंटिस्ट हमारे को मिले हैं जो 1.5 माह की ट्रेनिंग पर गए हैं। जनवरी 15 से पहले हम रिसर्च सेंटर को चालू कर देंगे ताकि लोग रिसर्च पर जाएं। इसी प्रकार बीमा कंपनी से संबंधित शिकायतें मिली हैं, मैंने केंद्रीय मंत्री शिवराज जी को पत्र लिखा था, उनसे बात की थी, वहाँ से पत्र आ गया है। जितने भी किसानों के बीमे छूटे हुए हैं 1 माह के अंदर उनको मिल जाएंगे। इसी प्रकार देखने में ये आता था कि जो हम कृषि यंत्र किसानों को देते हैं और जो लोग विभाग के अंदर पैनलिस्ट पैनल पर हैं उनके दाम आम मार्केट से ज़्यादा होते हैं। किसान की मजबूरी होती है क्योंकि वो पैनल पर होता है, मैंने निश्चित कर दिया है पैनल वाले कुछ नहीं होगा, जहाँ पर सर किसान की मर्जी होगी किसान वहाँ से यंत्र खरीदेगा और उसको हम सब्सिडी देंगे। छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आज छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कर दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव करने पहुंचे, जहाँ भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें यमुना कॉलोनी के गेट पर ही बैरिगेटिंग लगाकर रोक दिया। यमुना कॉलोनी संवेदनशील इलाका है और यहाँ कई कैबिनेट मंत्रियों के आवास हैं, जिसके चलते पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी और एनएसयूआई प्रदर्शनकारियों के वहां पहुंचते ही पुलिस ने उन्हें बस में बैठाकर पुलिस लाइन भेज दिया। वहीं एनएसयूआई का कहना है कि वे लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र कर दिया जाएगा। देखिए हमारे एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हिमांशु रावत जी के नेतृत्व में देहरादून के छात्रों ने एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं ने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द छात्र चुनाव कराए जाए। आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों के द्वारा बाजार में सफाई अभियान चलाया गया, तो वहीं नगर पालिका के द्वारा विकास नगर बाजार के डाक पत्थर रोड तिराहे से लेकर मेन बाजार में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई और उनका सामान जब्त कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है नगर पालिका विकास नगर के ही जो अधिशासी अधिकारी हैं बद्री प्रसाद भट्ट, जरा आपको सुना देते हैं। व्यवसायियों ने जो अनाधिकृत रूप से जो सामान अत्यधिक बाहर निकाला होता है उसको भी हटाया गया है और एक डाक पत्थर चौक पे एक खोखा लंबे समय से लगा हुआ था, पूर्व में भी उसको हटाया गया था, तो उसे भी पालिका स्तर से हटाया गया है। हाँ जी, देखिए ये पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी उनको सूचित किया गया है और पालिका स्तर से भी आग्रह किया गया है कि अनावश्यक जो है व्यवधान आवाजाही में ना हो, इस चीज़ का वो ख्याल रखें। त्योहारी सीजन को देखते हुए पालिका स्तर से साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जा रही है और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 पारियों में ये सफाई हो और बाजार एकदम साफ रहे। देखिए पटाखों की दुकान के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, तो संभवतः तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये कार्रवाई की जानी है। दिवाली का त्यौहार नजदीक है, जिसको देखते हुए नगर पालिका के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। वहीं आपको बताते चले कि नगर पालिका के द्वारा फल सब्जी रेडी वालों के द्वारा जो कूड़ा करकट सड़क के किनारे डाला गया था उसको साफ किया गया है। 500 रुपए के चालान की कार्रवाई की गई, नगर पालिका के द्वारा ही ये कार्रवाई की गई।
दिखाई नहीं देता। जी आज आज जो सफाई अभियान चलाया आपने, क्या पाया गया आज? आज हमने जो है सफाई के विरोधी एक अभियान चलाया है, जिसमें जो है नगरीय क्षेत्र में, नगर पालिका के क्षेत्र में कई लोगों के खिलाफ हम सफाई जो है लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं और बाहर कूड़ा डालते हैं। आज हमने उसमें अभियान चलाया तो देखा कि कई लोगों द्वारा जो है बाहर कूड़ा डाला गया, जिसमें जो है हमने चालानी कार्रवाई की गई है। उन लोगों के खिलाफ जो है 500 रुपये के चालान किए गए हैं और आगे भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा, क्योंकि दिवाली का त्यौहार है, तो दिवाली के तौर पर हम पूरे शहर में जो है सफाई व्यवस्था। राजधानी देहरादून में ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी समस्या है, जिसका एक कारण वाहनों के लिए पार्किंग ना होना भी है। शहर की सड़कों पर बढ़ते वाहन दबाव के चलते वाहनों की पार्किंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। लोग सड़क पर ही जहां तहां वाहन पार्क करने को विवश रहते हैं, तो ऐसे में यातायात जाम की समस्या तो होती ही है, लेकिन कई बार लोगों के वाहन को पुलिस को क्रेन से खींचकर यहां पर ले जाना पड़ता है। इस पर जिलाधिकारी ने भी चिंता जताते हुए समाधान की ओर कदम बढ़ा दिया है। शहर में 5 ऑटोमेटेड पार्किंग निर्माण की तैयारी है। हालांकि पूरी तरह से सड़कों पर जाम की समस्या समाप्त होना संभव नहीं है, लेकिन पर्याप्त पार्किंग स्थल होने से शहर को कुछ राहत जरूर मिलेगी। देखिए, इसमें 2 ऑटोमेटेड पार्किंग हमारे हार्ट ऑफ द सिटी में है और एक हमारा सतही पार्किंग, जिसको एक सुगम रूप दिया जाएगा, वो हमारे पागुल हाउस है। तो उसके जो हमारी गेट्स हैं वो फ्लोट हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इसमें जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लालकुआ नगर पंचायत की स्थापना के 36 वर्ष बाद भी यहां बस स्टैंड का निर्माण नहीं होने से नगरवासी काफी परेशान हैं। उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआ नगर पंचायत स्थापना के समय लोगों को उम्मीद थी कि शहर का स्वर्गीय विकास होगा, लेकिन यहां विकास की गति काफी धीमी रही। आलम यह है कि लालकुआ में अब तक 1 बस स्टैंड नहीं बन सका है, जबकि 2 बार भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी हो चुका है। इसके साथ ही अगर शहर के विकास और विस्तार की बात की जाए तो वह भी वन विभाग, रेल और लोक निर्माण विभाग की भूमि होने के कारण ना के बराबर हुआ है। चूंकि वास्तव में दुर्भाग्य की बात है कि लालकुआ के लोगों को एक जो लंबे समय से मांग चली आ रही है बस अड्डे की, वो नहीं पूरी हो पा रही है। ये मेरे लिए बहुत विशेष कष्ट का विषय है, क्योंकि मैंने और श्रीमती अरुणा चौहान ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 6 चीजों के हमने शासन आदेश कराए थे, उसमें बस अड्डा मुख्यतः है, ग्रीन पार्क है, ट्रांसपोर्ट नगर है, आपका ईदगाह है और कई 6 आइटम हमारे शासनादेश जो आज भी नगर पंचायत में रखे हुए हैं। वो हमने भू सर्वेक्षण भी करवाया, यहाँ के DFO पहले एक महिला थी, अब आजकल जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं वो थे, उन सब ने बहुत मेहनत की हमसे लोगों के साथ और 1,29,000 रुपये हमने भू सर्वेक्षण के नाम पर जमा भी करा दिए थे। लेकिन चूँकि फिर अरुणा चौहान जी का भी कार्यकाल पूरा हो गया था, इसकी वन भूमि को लेने में थोड़ा समय लगता है, तो आने उसके बाद का जो कार्यकाल रहा है उसने उस पर काम नहीं किया और कांग्रेस की सरकार आ गई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और मैंने तो वास्तव में कई बार ये सोचा कि इतने हमारी मेहनत का असर क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी पूर्व यहाँ से दिल्ली के लिए बस चलाई थी और वर्तमान समय बस अड्डा बहुत अत्यावश्यक है, आगे में होना चाहिए। बस अड्डा और एक खेल का स्टेडियम, 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों के खेलने के लिए कोई फील्ड नहीं हमारे पास शहर में, इसके लिए मैं सरकार से और माननीय विधायक जी और सांसद जी से हमने आग्रह भी किया है कि लालकुआ बस अड्डा स्थायी रूप से बने और पार्ट दे, एक बस दिल्ली के लिए सुचारू रूप से चले, जिससे व्यापारी का आगमन सुगम हो। अब वो तो सरकार में रहा होगा, हमने वर्तमान विधायक जी से और सांसद जी से मांग की है बस अड्डा होना चाहिए स्थायी रूप से लालकुआ में, उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी इसकी घोषणा होगी। जमीन तो शासन स्तर का मामला है, 2.5 एकड़ राज्य सरकार को परमिशन है, दे सकती है, बस अड्डे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आवेदन ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, व्यापार मंडल के पास जमीन होगी तो उपलब्ध कराएंगे, नहीं ऐसे सलाह बनी है ऐसी कोई जमीन मिल जाए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है हमसे पूछने के लिए आप आए। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बस अड्डे के लिए मैंने बड़ा लिखा पढ़ी किया और जो आज हमारे सांसद हैं उनको भी दिया था, विधायक जी को भी दिया था और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि उस पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही लालकुआ को बस अड्डे की कार्रवाई हो जाएगी
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम प्रकोष्ठ संगठन को मजबूत करने के लिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। वहीं यूथ कांग्रेस भी चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस यहां पंचायत और वार्डों में जाकर जनता से संपर्क साधेगी और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर संगठन को मजबूती प्रदान करने के प्रयास करेगी। साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएगी। जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है वो कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जैसे आपको भी अवगत कराया मोहन भंडारी जी ने भी कि चलो वार्ड चलो पंचायत, इसके तहत जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो लोग पंचायत में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और वार्ड में नुक्कड़ सभा, इसमें कई तरह के प्रोग्राम। हमने शक्ति क्लब एक कार्यक्रम लॉन्च किया, शक्ति क्लब में वो महिलाओं को हमने क्लब बनाया शक्ति क्लब, जिसके तहत हमने महिलाओं को कांग्रेस की पार्टी से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का कार्यक्रम बनाया है। उसके तहत गांव में जाकर चाहे वो शक्ति क्लब के तहत हो, चाहे वो युवा संवाद हो, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो, या कोई रैली हो, या कोई पंचायत स्तर पे पंचायत के मुद्दों को लेकर कोई धरना हो, इस प्रकार के जो तमाम जो प्रदर्शन या जो कार्यक्रम किए जाएंगे वो चलो वार्ड और चलो पंचायत कार्यक्रम के थ्रू किए जाएंगे। और जो इसकी मॉनिटरिंग होगी वो हमारा एक ऐप है विद IYC ऐप, जिसके थ्रू हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। ये एक हमारा ऐप है जिसके थ्रू हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, विद IYC ऐप है। ऐप के माध्यम से इसमें पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी कि किस साथी ने किस जगह कार्यक्रम किया, और इसमें प्रोग्राम की जो है वो लाइव फोटो भी होगी। ये चलो पंचायत का इसमें कार्यक्रम है, इसमें डिटेल जब कैंटीन वहाँ पे जाएंगे तो जो कार्यक्रम करा रहे हैं और जो लीडर हैं वो इस कार्यक्रम की रूपरेखा को जो है इसमें सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो है वो मॉनिटरिंग भी जो है इस ऐप के माध्यम से होगी। इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, जैसे कि अभी आगामी पंचायत चुनाव और वार्ड चुनाव भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता तक नीचे तक नहीं पहुँचते, तो इस कैंपेन के माध्यम से जो प्रदेश में आज लाचार हालात हैं, चाहे वो बेरोजगारी बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, चाहे वो नशा हो, बढ़ती हुई महंगाई हो, इन चीज़ों को लेकर जो है हमारे युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी है वो जमीन ग्राउंड स्तर पर जाकर, बूथ स्तर पर जाकर, पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। अभी पूरे देश में ये कैंपेन हमारा चलाया जा रहा है, काफ़ी प्रदेशों में ये कैंपेन को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी हम इसको उत्तराखंड में लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि आगामी जल्दी जो है नगर निगम की और पंचायत निकाय के चुनाव जो है होने वाले हैं, उससे पहले हम पंचायत स्तर पर अपनी टीमें गठित करने का और पंचायत स्तर पर युवाओं को जोड़ने का काम हम इसके माध्यम से करेंगे। तो घनसाली में हिंदाव पट्टी के 3 गांव में आधमखोर गुलदार द्वारा 3 बच्चों को निवाला बनाए जाने के बाद भी वन विभाग द्वारा उसे 4 महीने बाद ढेर ना किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, घनसाली विधायक का पुतला दहन किया है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं का आरोप भी यहां वन रेंज वेलांगना की भोड़गांव, मेहरगांव और तल्ला परवाला गांव में 4 महीने के भीतर ही, यहां आप देखिए किस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया गया। गुलदार ने 3 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना लिया, लेकिन वन विभाग और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। उन्होंने रेंजर के स्थानांतरण करने के साथ विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमुख से ही नैतिक जिम्मेदारी लेकर यहाँ इस्तीफा देने की बात कर दी। टिहरी जनपद में विगत कई महीने से लगातार बाघ का आतंक मचा हुआ है। विकासखंड विलंगना की हिंदाव पट्टी में इन विगत 3 महीनों में, ये अक्टूबर का महीना और पिछला अगस्त और सितंबर का महीना, इन तीनों महीने में लगातार 3 घटनाएं हिंदाव पट्टी में हो गई है, जिनमें एक मेहरगांव में, ओण गांव में और पुरवाल गांव में जो लगातार ये घटना हुई है, ये निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत दुखद घटना है और उन तमाम परिवारों के प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना है। ये बड़ी विडंबना है कि जब पिछले महीने अगस्त और सितंबर में 2 घटना वहाँ पर हुई थी, उसके बावजूद भी वन विभाग और जिला प्रशासन हो या राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने कतई भी सबक नहीं लिया। वो न जाने किस इंतजार में है, एक नई घटना के इंतजार में थे, और अभी परसों आपने देखा 19 तारीख को जो एक बहुत बेदर्द तरीके से बाघ ने जो बच्चे को वन निवाला बना दिया अपना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
हमें इस बात का दुख है कि इस प्रदेश में तथाकथित डबल इंजन की सरकार है और उस सरकार को ये जानते हुए भी कि इस प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पहले तो पलायन की बहुत बड़ी मार झेल रहा है और जो लोग रह भी रहे हैं और अगर इस तरह उनके बच्चे अगर बाघ का निवाला बनेंगे, जंगली जानवर का अगर निवाला बनेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील में विगत दिवस को कोट गांव के जो तोक है उसमें एक बालिका साक्षी को गुलधार ने अपना निवाला बना लिया था। ये तीसरी घटना है इस क्षेत्र में जब विगत 3 माह से 3 बच्चों को गुलधार अपना निवाला बना चुका है। हम उन बच्चों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पीड़ित परिवारों को ईश्वर इन दुख को सहन करने की शक्ति दे। हमारा सवाल है शासन प्रशासन से, कहाँ है विधायक, कहाँ है सांसद, कहाँ है मंत्री जी? ये सारे लोग समय से शासन प्रशासन जागता क्यों नहीं है? क्यों नहीं उस क्षेत्र में पुख्ता व्यवस्थाएं की जाती हैं? इतने दिन हो गए जनता लगातार मांग कर रही है गुलदार को ढेर करिए, गुलदार को ढेर करिए। स्थानीय लोगों का कहना है गुलदार एक नहीं बल्कि और भी हैं, उनको ढेर किया जाना चाहिए। नौनिहालों को वो निवाला बना रहे हैं और शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। क्यों नहीं सरकार निर्णय लेती है? क्यों नहीं समय पर वहाँ पुख्ता व्यवस्थाएँ की जाती हैं? आज के युग में जब हमारा टेक्नोलॉजी का युग है, हमारे पास ड्रोन कैमरा से लेकर बहुत सारी तकनीकी है, क्यों नहीं समय से इनका उपयोग किया गया? क्यों नहीं शूटरों को वहाँ पर भेजा गया? क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी की अभी तक जिम्मेदारी तय हुई है? नहीं हुई है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।